इसलिए मैं बोल दिया 75 एमरजेंसी वो डिक्लेर्ड एमरजेंसी दिस इज मोस्ट डेंजर टू दैट वन। हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज हमारे साथ दलित संगत रे के मोहन राजू जी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं डीजे अली के बारे में। ये यहाँ पे फंक्शन के लिए भी आए हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर ಹೇಳಿ ಸರ್, ಈಗ ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಕೆ ಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಏನು ಘಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜನತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಸರ್। ಓ ನಮಸ್ತೆ। ಓ ಅಭಿ ಏ ಕ್ಯಾ ವೋ ಯು ಪಿ ಮೇ ಮನುಷ್ಯಕ ಮರ್ಡರ್ ಹೋಗ ಇನ್ನ ರೇಪ್ ಅಂಡ್ ಮರ್ಡರ್ ಹೋಗಿ ಓ ರೇಪ್ ಅಂಡ್ ಮರ್ಡರ್ ಕಾ ಪೀಚೆ ಕೋನ್ ಕೋನ್ ಆಯಿ ಕೈಸ ಹೋಗಯ್ಯ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಕೆ ಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮೇ ಸೋಚ ರೇ ಕೆ ಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಓ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐನ ಓ ಸಂಘ ಪರಿವಾರಕ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ वो प्लान्ड ये कर दिया। वो यूपी में ऐसा चल रहा है। सेम इधर से पावर वो कंटिन्यू करने का पावर वो पावर मांगने का ऐसा ये कर रहा है। ये प्योरली वन ये कम्युनल वो दलित एंड मुस्लिम का वो झगड़ा का रखने का बाद वो ये डिवाइड करना इसका क्या मेन इसका डिवाइड करना मुस्लिम एंड दलित का। वो इधर MLA SCI SC का मुस्लिम्स का डिवाइड करने तो NCR NPR और फ्यूचर में बहुत स्ट्रांग टीम है। ये बहुत टीम का डिवाइड करने तो पावर पॉलिटिक्स का इजी हुआ था। ये इशू का नेशनल इशू करने का प्लान किया बट क्या हो गया इधर दलित का थोड़ा ऐसा मेरा ऐसा आदमी का बैठने के नहीं नहीं ये दलित का मुस्लिम का इशू नहीं। ये मुस्लिम का वो थोड़ा ये पर्सनल वो क्या स्पिरिचुअल इशू है। ये स्पिरिचुअल पर्सनल स्पिरिचुअल इशू है इसलिए मैं वो दलित का इशू नहीं वो ये अनएक्सपेक्टेड है बट ये प्रोवोक करने का वो ये क्या वो संघ परिवार है ना ये संघ परिवार इंक्लूडिंग गवर्नमेंट मशीनरीज आल्सो इज फेल्यूर है इसलिए मैं ऐसा हो गया। दैट्स वाई दिस इज नॉट ए फ्री दिस इज प्योरली प्री प्लान्ड नॉट ए अट ए टाइम इज नॉट डू द दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट। दैट्स वाई के जे एल डी जे एल इज प्यूर्ली क्रिएटेड टू संघ परिवार। सर अभी यहाँ के लोग भी जो ग्राउंड रिपोर्ट लेके आए और हमने भी देखा है कि FIR तो कितने हुए हैं क्या हुए हैं अभी तक कुछ 56 54 50 एक स्टेशन के 54 56 FIR डाल दिया। अभी नेशनल सिक्योरिटी UPA एक्ट और RNI एक्ट नेशनल से इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट सभी लेके इधर आके वो इसलिए में वो ये अभी आनंद तेलतुंबे सभी आदमी का पकड़ दिया ना वो इसका नई बेल दे रहे अभी 1 ईयर का 2 ईयर्स का नई बेल देता वो एकदम ये FIR करने तो कोर्ट में भी नई बेल दे। UAP एक्ट जब डालना ज़रूरी था क्या? नहीं सिंपल चुपके ऐसा कर रहा है वो एक्टिविटीज़ का बर्न करना। वो अभी मैं जाता ना हमको अरेस्ट करने तो अंदर डालने तो अभी दूसरा आदमी सोच रहा है हे मैं जाने तो ऐसा हुआ था 2 ईयर्स 3 ईयर्स अंदर डालने तो कैसा हुआ था ऐसा डर ED का ऐसा कर दिया। ED का ऑफिशियल्स का वो सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ कर दिया CBI का यूज़ कर दिया जुडिशरी का यूज़ कर दिया अभी एजेंसी का ही ना गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी का यूज़ करने का ऐसा मूवमेंट का ये प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स का कर्व करने का ऐसा कर रहा है। दिस इज अनडेमोक्रेटिक मेथड यूज कर रहे हैं। अभी जो गिरफ्तारियाँ हुई है कितने हुई हैं? 600 मेंबर्स अभी गिरफ्तार हो गया। अभी बोल रहे हैं अभी और थोड़ा गिरफ्तार करने का अभी तकरीबन 100 या 150 आदमी को गिरफ्तार करने का अंदेश है पुलिस का। आप उसके बारे में क्या कहेंगे सर? नहीं वो जितने लोग को पकड़े हैं क्या सही लोग को पकड़े हैं या नहीं इसलिए मैं बहुत बारी अभी फाइट फैक्ट फाइंडिंग टीम का वो DCP का शरणप्पा का बात किया कमिश्नर कमल पंत का बात किया DG का बात किया होम मिनिस्टर का बात किया कोई बात कर नहीं मैं क्या काम है वो कर रहा है कौन वो गलती किया इसका पकड़ता बोल रहा है मैं इसलिए बोल दिया। अभी जिसे पकड़ा है वो क्या किया है सर? अभी इतना पकड़ दिया ना चुपके वो क्या किया है अभी फिर पकड़ेंगे बोले तो अभी वो जो जिसको पकड़ा है वो लोग क्या किया था चुपके ऐसा वो ये इशू करने का ये पकड़ के ये कम्युनिटी का अंदर का वो टेररिस्ट है वो इसका
कश्मीरी लिंक है, पाकिस्तान लिंक है, वो दूसरा लिंक है, ऐसा बोल रहे हैं। अभी संपत राज के लड़के का भी नाम आया उसमें, संपत राज का नाम भी, वो पुलिस क्या बोल रहा है, नहीं नहीं वो संपत राज का ड्राइवर है, PI, वो सभी वो इसका फाइनेंस दे रहा है, प्रोवोक कर दिए बोल रहा है वो। इसलिए में ये संघ परिवार का गवर्नमेंट क्या कर रहा है, पूरा सिस्टम का कल्प्रिट करना, पूरा सिस्टम का एडवर्स करना, मालूम नहीं होता अभी टीवी डाइवर्स करना। ये वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, इसका ये अभी मनीषा होने के बाद में कोई एग्जांपल रिपब्लिक टीवी में नाम बोल रहा है, अभी तक एक बात नहीं बात किया। ऐसा मीडिया का यूज़ करके ये फॉल्स इंसिडेंट का, नहीं नहीं ऐसा कर दिया, मुसलमान बोलने तो वो टेररिस्ट आई, मुसलमान बोलने तो अनडेमोक्रेटिक आई, हाँ मुसलमान और वो MLA शोल्ड कास्ट है, मुसलमान का शोल्ड कास्ट डिबेट करने तो NRC MPR वो मूवमेंट में सभी आदमी का, मुसलमान एंड दलित का, ये ऑल ओवर इंडिया ये टुगेदर इल फाइटिंग दैट इश्यूज, बट नाउ इज ट्राइंग टू इज डिवाइड दैट इन बिटवीन, इल डिवाइडेड इन दिस बिग्गर कम्युनिटीज, आफ्टर यूल कैप्चर द पावर इज ईजी, ऐसा कर रहा है वो परिवार से। DJ हल्ली के बारे में क्या आप क्या एक्शन लेंगे सर? अभी गवर्नमेंट अभी फाइट फाइंडिंग रिपोर्ट में रेडी कर दिया, मैं अभी बोल रहा है, मैं कोर्ट को सबमिट कर रहे हैं वो PL डाल के। मैं बोला नहीं, ये संघ परिवार का ये प्लान्ड है, ये कम्युनल इज नॉट ए कम्युनल इशू, ये दिस इज ओनली सम स्पिरिचुअल, पैगंबर का थोड़ा ऐसा करने तो वो सम आदमी का वो इमोशनल हो गया छोड़ने तो, इट प्योरली इज नॉट ए कम्युनल इशू, दैट्स वाई यू विल कंसिडर दिस रिपोर्ट ऑल्सो, अदरवाइज यू वेरी डिफिकल्ट, इज ओनली फॉर इन जुडिशरी लिटिल बिट कॉन्फिडेंट, अदरवाइज नो चांस अट ऑल। इवन अपोजिशन पार्टी ऑल्सो इज फेलियर नाउ डेज, इवन प्रीवियस 2-3 days इन राहुल गांधी विल पुट एंड शर्ट विल पुट एंड out, that is nobody is ill, only for some little bit token protest and go the prime minister candidate ko aisa kar sakte hain, kar diya na abhi, sath kar diya abhi ek mamooli PC ne kiya hai sir, mamooli wo PC kapad idhar pakad ke bat dalta na, wo government kaisa hai, kidhar hai legal kya kar sakta hai, idhar aisa ho raha hai, wo common people common man क्या कर सकता अभी इस ये सिस्टम है। इसलिए मैं बोल दिया 75 इमरजेंसी वो डिक्लेयर्ड इमरजेंसी, दिस इज मोस्ट डेंजर टू दैट वन इन दिस इन सिचुएशन, लास्ट 2014 टू स्टिल इज मोस्ट डेंजरस सिचुएशन ऑल। इसलिए मैं बोल दिया ED ये सेंट्रल गवर्नमेंट एंड जुडिशरी पुलिस मिलिट्री सभी साथ कर रखने का ऐसा कर रहा है, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ अनडेमोक्रेटिक, कॉन्स्टिट्यूशन का ये क्या वैल्यूज नहीं ऐसा कर रहे हैं। इसलिए ये मूवमेंट्स है ना, मूवमेंट्स स्ट्रेंथ हो ना, दलित OBC माइनॉरिटीज टुगेदर विल फाइट द सिस्टम, दैट्स ऑल। ये थे मोहन राजू जी जो DJ हल्ली की रिपोर्ट बताए हैं। आप देखते रहिए आपकी आवाज़। शुक्रिया।